हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू स्क्यूब टेक इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष गहलोत आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जावा प्रैक्टिकल की सीरीज में आज हम करेंगे हाउ टू रिप्लेस अ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है दूसरी स्ट्रिंग से। ओके, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन की हेल्प ले रहे हैं जिसका नाम है रिप्लेस, जो कि किसमें है, स्ट्रिंग क्लास में है। ओके, इसी रिप्लेस फंक्शन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो नई जो स्ट्रिंग है उसको पुरानी से जो है रिप्लेस करेंगे। So this is the predefined function, a built-in function of string class in Java programming language. It returns a replaced string, जो कि replaced जो string हुई है, उसको क्या करेंगे हम, ये function जो है return करेगा, ठीक है? So friends, starting करते हैं इस problem को solve करने की। तो यहाँ पर मैं एक string ले लेता हूँ str1 और इसमें हम initialize कर देते हैं, let's say www.wscubetech.com, ठीक है? ये हमने स्ट्रिंग को यहाँ पर जो है इनिशियलाइज कर लिया है। और एक स्ट्रिंग मैं और लेता हूँ, लेट्स से स्ट्रिंग str2 और इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? और अब जो है हम दोनों स्ट्रिंग को चाहे तो एक बार प्रिंट करवा सकते हैं बिफोर रिप्लेसिंग, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ स्ट्रिंग बिफोर रिप्लेसिंग। ओके, स्ट्रिंग बिफोर रिप्लेसिंग, ये मैंने एक मैसेज डाल दिया है और दोनों जो स्ट्रिंग है उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स से str1, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, किसको, str को। ओके, और देन सेकंड स्ट्रिंग को भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ str2, ठीक है, ये मेरी सेकेंड स्ट्रिंग है। और प्लस के साथ में मैं सेकेंड स्ट्रिंग को भी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करवा लेता हूँ, प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है? ये हमने प्रिंट करवा लिया। ओके, सो दोनों जो स्ट्रिंग है फ्रेंड्स, मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। और अब जो है स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ लेट्स से str1 इज इक्वल टू, ठीक है, str1 डॉट, इसमें मैं कॉल करता हूँ फ्रेंड्स किसको, रिप्लेस फंक्शन को, ठीक है, रिप्लेस फंक्शन को। ओके, तो यहाँ पे मैं जो है लेट्स से मुझे रिप्लेस करना है str1 को किससे, str2 से, ठीक है? और अगेन यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है? सो रिप्लेस जो स्ट्रिंग है वो कहाँ पे आ जाएगी, str1 में आ जाएगी, ठीक है? और लास्ट में हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों स्टेटमेंट को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी और पेस्ट कर लिया। और अब यहाँ पर मैं मैसेज लिखता हूँ स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसिंग, ठीक है, स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसिंग। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो अपडेटेड जो आउटपुट है हमने वापस आफ्टर स्ट्रिंग में यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। और अब क्या होगा कि बिफोर जो आउटपुट आएगा फ्रेंड्स उस पर तो www.wscubetech.com और यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग टू में हेलो वर्ल्ड, ठीक है? लेकिन आफ्टर में क्या आएगा फ्रेंड्स कि जो str2 जो है वो str1 में जो है रिप्लेस हो जाएगा, तो दोनों में जो है हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ओके, तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आउटपुट चेक करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो आप देखें इसमें बिफोर रिप्लेसिंग में str1 में क्या था, www.wscubetech.com और str2 में क्या था, हेलो वर्ल्ड। ओके, हमने क्या किया फ्रेंड्स कि जो str1 था, स्ट्रिंग थी, उसको हमने रिप्लेस किया है किससे, str2 से। तो अब str2 में आप देखें और str1 में आप देखें, दोनों में क्या है, सेम स्ट्रिंग है। ओके, हम चाहें तो 2 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 1 को भी हम, मैंने आपको रिप्लेस करना बता दिया, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस फंक्शन दैट इज अवेलेबल इन द स्ट्रिंग क्लास वी कैन रिप्लेस अ स्ट्रिंग विद अनदर न्यू स्ट्रिंग, ठीक है? और ये जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, रिप्लेस्ड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है? जो रिप्लेस, एक तरह से इसका जो रिटर्न टाइप हो गया फ्रेंड्स वो क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया, ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का कंसेप्ट है कि हाउ टू रिप्लेस अ स्ट्रिंग, ठीक है, इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।